नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से विभूति पाद के 38वें सूत्र की, जिसमें साधक के जो कर्म जो बंधन होते हैं उनके रुकने से और उसके चित्त का ज्ञान होने से किस प्रकार से की सिद्धि प्राप्त होती है, इसकी बात इसमें कही गई है। तो चलिए जानते हैं सूत्र को, फिर उसकी व्याख्या को हम आपके सामने परिभाषित करेंगे। बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य पर शरीर आवेश है। अर्थात कर्म के जब बंधन होते हैं, कर्म बंधनों के रुकने से, कर्म के जब बंधन रुक जाते हैं, कर्म के बंधन रुकने के कारण शैथिल्यात यानी कि शिथिलता आती है, जिससे प्रचार संवेदनात् यानी कि जो विचारों की जो गति होती है उसकी हमें जानकारी हो जाती है, और जिससे चित्तस्य यानी जो चित्त का ज्ञान हमें होता है, जिससे शरीर पर शरीर आवेश यानी कि हमारा जो चित्त है, हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। तो जब कर्म के जो संस्कार होते हैं, कर्म बंधन जो होते हैं, उनके रुक जाने के कारण जब कर्म बंधन रुक जाते हैं तो स्थिरता आ जाती है, यानी कि ठहराव आपके अंदर आ जाता है। उसके ठहराव आने से जो चित्त के जो विचारों की जो गति है, प्रचार संवेदनात् है, वो उनकी जानकारी आपको हो जाती है। तो कर्म के बंधन के रुकने से और चित्त की संस्कारों का ज्ञान होने से आपका जो चित्त है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता उसमें आ जाती है। इससे होता क्या है कि यानी कि आप अपना पूरा शरीर आपका दूसरे के शरीर में घुस जाता है, ऐसे संभव नहीं है। यहाँ पे दूसरे के शरीर में प्रवेश की बात कही गई है कि जब हमारे कर्म के बंधन समाप्त तो हो जाते हैं और दूसरे के चित्त का हमें ज्ञान हो जाता है। तो जब चित्त का ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं, किस प्रकार की उसकी भावनाएं आदि विषयों का हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसकी हमारे कर्म बंधन रुक गए हैं, उसमें स्थिरता आ गई है और दूसरे के चित्त का हमें ज्ञान हो गया है। तो दूसरे के जब चित्त का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम ये कहते हैं ना कि जैसे देशी भाषा में कहते हैं कि भाई देखो, इंसान कह तो ऐसा रहा था, बाकी किसी के अंदर तो घुसा नहीं जाता, या किसी के अंदर घुस के तो हम जान नहीं सकते कि वो उस व्यक्ति के मन में क्या है, लेकिन वो बोल तो ऐसे ही रहा था, अपने बच्चों की कसम खा रहा था, या ये कह रहा था, या बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा था। तो हम कहते हैं कि किसी के अंदर नहीं घुसा जाता, लेकिन कह ऐसे रहा था। तो ये बात अंदर घुसने की बात ये नहीं होती कि कोई किसी के अंदर घुसता है या कोई शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी कि चित्त का ज्ञान हो जाना, चित्त के जो गति है, चित्त की जो गति है, विचारों की जो गति है, उसका ज्ञान होने से और कर्म के बंधन समाप्त होने से हमें दूसरे के चित्त का भली भांति ज्ञान हो जाता है। उसको कहा गया है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। यहाँ पे फिजिकल बॉडी किसी दूसरी फिजिकल बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती, ये साइंटिफिक गलत होगा, लेकिन यहाँ पे कहने के भाव को समझना होगा, क्योंकि ऋषियों के जो भाव होते हैं, ऋषि किस भाव में कहते हैं वो एक बात होती है। जैसे हम कहावत में कहते हैं कि वो तो जब कोई बहुत दूर की बात हो तो कहते बहुत दूर है वो, तो कोई चीज़ को दूर कहेंगे या कहेंगे तो पहाड़ से भी बड़। कोई मान लीजिए कोई गेहूं का ढेर आपने लगा रखा है तो कहेंगे तो गेहूं का पहाड़ खड़ा कर रखा है आपने, जबकि पहाड़ तो बहुत किलोमीटर तक होता है, लेकिन कुछ ऊंची ढेरी को ही हम क्या कहते हैं कि आपने तो गेहूं का पहाड़ लगा रखा है। या कोई ईंट का जो भट्ठा होता है जिसमें ईंटें तैयार की जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, वो 20 30 50 फीट तक होता है, तो कहेंगे पहाड़ की तरह है। तो पहाड़ नहीं होता, पहाड़ तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हम उसको अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हठ योग में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे कहा गया इससे जरा मृत्यु ये इनका नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, यानी कि मैक्सिमम रोग दूर हो जाते हैं। जरा यानी कि बुढ़ापा नहीं आता, यानी कि शरीर में तरावट रहती है, शरीर में एनर्जी रहती है, मृत्यु नहीं आती, यानी कि अकाल मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होती। वैसे तो मृत्यु होगी सबकी, लेकिन अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कई बार किया गया है, तो कई बार हम समझाने के लिए चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक वही प्रयोग महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे करते हैं कि दूसरे के शरीर में प्रवेश यानी हो जाता है, यानी कि वो कहते हैं ना कि दूसरे के अंदर नहीं घुसा जाए। अंदर घुसे तो हमें पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसके मन में कपट है कि उसके मन में पाप है कि पुण्य है, सारी चीजों का पता चल जाएगा, लेकिन शरीर उसके अंदर घुस नहीं सकते। लेकिन उसके चित्त की जानकारी होने से, उसके चित्त के उसके विचारों की गति का ज्ञान होने से और अपने स्वयं के कर्म बंधन जब समाप्त हो जाते हैं या रुक जाते हैं, उनमें स्थिरता आ जाती है,
तो हम दूसरे के अंदर क्या चल रहा है अच्छी बात प्रकार से जान लेते हैं, तो हम कहते हैं मैं इसके अंदर ही घुसा हुआ हूँ, मैंने इसकी अंदर की बात जान ली है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ इसके अंदर क्या चला हुआ है। तो ये जो अनुभव होते हैं ये हमें उस सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि कर्म के बंधन से के रुकने से और किसी के चित्त के विचारों की गति का ज्ञान होने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप शब्दों पे थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होगा कि कई बार अतिशोक्ति अलंकार, कई बार अनुप्रास अलंकार, कई अलंकारों का प्रयोग इन ऋषियों ने किया है, क्यों जैसा कि हम सामान्य जीवन में करते हैं। हम कहते हैं कि गेहूं की ढेरी हो, कोई होती है जैसे कनक को निकाल के लेकर आते हैं और आपने बहुत बड़ा अंबार खड़ा किया है, यानी कि 200-300 क्विंटल गेहूं आपने रखा हो, तो कहेंगे तो गेहूं का पहाड़ लग रहा है, या आप घर बना रहे हैं तो रेत उसके लिए प्रयोग करते हैं, रेती जिसको हम कहते हैं, वो कहेंगे रेती का पहाड़ है। तो पहाड़ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसको भी हम पहाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब पहाड़ नहीं होता, वो पहाड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हम उसको भी पहाड़ ही बोलते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जब हम किसी के अंदर का हमें ज्ञान हो जाता तो कहते कि इसके अंदर घुसने की क्षमता हमें आ गई, तो ये यहाँ पे कहने का भाव है। तो थोड़ा सा ऋषियों के भाव को यदि आप समझेंगे, उस स्तर पे जाके आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आप ग्रंथों को, दर्शनों को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। यही आज के सूत्र का भाव था जो मैंने आपको समझाया, आशा कि आपको समझ आया होगा। और हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए, निरंतर हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आगामी 39वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, तब तक के लिए आप सब विद्यार्थियों का धन्यवाद, नमस्ते।